हाँ फ्रेंड्स, मुजुमदार फार्म से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुर्गी का जो दाना रहता है फीड, वो कौन सा दिन में कौन कितना दिया जाता है, क्या क्या दिया जाता है, क्या नाम है उसका, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे चैनल पे मुर्गी पालन के ऊपर सारी जानकारी मिलते है देसी पोल्ट्री सब में, इसलिए हमारे चैनल पे जो जो नए हुए ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन पर साइड का दबा दें। तो पहले हम आ जाएंगे प्री स्टार्टर मतलब जो पहले मुर्गी एक से लेकर सात दिन तक खाते हैं, जो बच्चा रहता है, छोटा बच्चा रहता है, एक से लेकर सात दिन तक हम इसको देंगे प्री स्टार्टर बोलते हैं इसको। एकदम छोटा दाना रहता है, इसको प्री स्टार्टर नाम बोलते हैं। कौन सा भी कंपनी का ले सकते हैं, हम गोदरेज का एक एग्जांपल देके आपको बताते हैं। जो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो बोरा है इसमें लिखा है बैग में बॉयलर प्री स्टार्टर तो लिखा है। इसके बाद आ जाता है अपना जो स्टार्टर है, यानी प्री स्टार्टर के बाद आ जाता है स्टार्टर, जो दिया जाता है सात से लेकर तीस दिन तक। बॉयलर में हम बता रहे हैं, बाद में देसी का बताएंगे, फिर अंडे का भी बताएंगे। स्टार्टर का जो पैकेट आता है ऐसा आता है, जिसके ऊपर लिखते हैं क्रम्स चिक स्टार्टर लिखा हुआ रहता है, वो स्टार्टर में रहता है। उसके बाद आ जाता है फिनिशर थोड़ा बड़ा दाना रहता है, ये कम से कम आपको दिया जाता है तीस से लेकर जब तक मुर्गी फार्म से निकल ना जाए तब तक, यानी 30 से 40 45 दिनों तक फिनिशर दिया जाता है। फिनिशर का जो पैकेट आता है उसमें ऐसे लिखा रहता है, बॉयलर फिनिशर लिखा है, ये पोल्ट्री के लिए है। बाद में हम देसी का भी और अंडे का भी दिखाएंगे कैसे उसमें क्या क्या दाना कब कब क्या लगता है। ये फिनिशर का बैग हो गया, फिनिशर आपको देना है लास्ट में। तो अब देसी में आ जाता है, देसी में क्या रहता है, सेम जो प्री स्टार्टर है हम एक से सात दिन देंगे। उसके बाद ये जो देसी है, देसी में थोड़ा अलग रहता है रेशू, एक से सात दिन देंगे। उसके बाद स्टार्टर जो है वो ज़्यादा दिन तक खिलाना पड़ता है, क्योंकि जो देसी है वो 60 दिन में निकलता है मार्केट में। तो ये है स्टार्टर हम देंगे सात से लेके 45 दिनों तक, सात से लेके 45 दिनों तक हम इसको स्टार्टर खिलाएंगे, ग्रोथ अच्छा होगा। उसके बाद आ जाएगा फिनिशर हम इसको दे सकते हैं या फिर ग्रोअर दे सकते हैं, फिनिशर भी दे सकते हैं। फिनिशर देते 45 दिनों से 60 दिनों तक हमें फिनिशर देना है। उसके बाद जो मुर्गी रेडी हो गए उसको बाज़ार में हम बेच सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम अंडे के ऊपर, अंडे जो मुर्गी में हम अंडे निकालेंगे या फिर अंडे के लिए रखेंगे तो उसको क्या क्या दाना देना है। दाना अगर गलती कर दे तो अंडा कम देगा, इसमें बहुत सारा ये रहता है लेयर में, तो आप अच्छी से देख लीजिए कब क्या देना है। जब छोटा बच्चा रहेगा एक से सात दिन सेम वही प्री स्टार्टर देना है। उसके बाद अपना ग्रोअर जो है, जो फिर स्टार्टर है, ये प्री स्टार्टर हो गया, स्टार्टर आ गया। स्टार्टर बहुत उतना नहीं देना है, जब हम मटन के लिए जितना दे रहे हैं उतना नहीं देना है। इसमें देखिए 7 से 25 दिन ही देना है, सिर्फ 25 दिनों के बाद हम इसको यूज़ करेंगे ग्रोअर। देखिए स्टार्टर आ गया उसके बाद आएंगे ग्रोअर हमें देना है 30 से लेके 120 दिन तक। ये 5 महीने में अंडा देता है। इसका पैकेट ग्रोअर का पैकेट ऐसा आता है, आप देख लीजिए जो पैकेट में लिखा रहेगा ग्रोअर करके। उसके बाद आ जाएगा अपना फेस वन अंडे के लिए, 4 महीने बाद ये देना है। जैसे 120 दिन से जितना दिन एक देते रहेगा तब तक ये देना है फेस वन, ठीक है, फेज वन देते रहना है तो अंडा बहुत अच्छा देगा। अगर गलती से हमने दूसरा दाना खिलाया तो अंडा अच्छा नहीं देगा, ये गलती नहीं करना है। तो दोस्तों, ये वीडियो एक ने कमेंट किए थे, रिकमेंड किए थे, इसलिए बनाया गया है। तो वीडियो अच्छे लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल पे नए हुए तो सब्सक्राइब करके रखें। मिलते ऐसे